हरे कृष्णा, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही अमेजिंग कमेंट लेकर। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे, बहुत जानकारी आपकी बढ़ेगी उससे। पिगमेंटेशन ठीक कैसे होगी आपकी, ये जानकारी आपको मिलेगी। चलिए हम शुरू कर लेते हैं इसको। जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, आपके फोन का वेट कर रही थी। नमस्कार, नीलम बात कर रही हूँ। हाँ जी, अभी अभी आपकी वीडियो देख के ही रखा था फोन मैंने। जी नीलम, आपकी उम्र? 38 हाफ, मतलब 39 में हूँ सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ही सर, हरियाणा में सर। बताइए पिगमेंटेशन कब से है आपको? मुझे मेरा बेटा हुआ था सर, 4 साल पहले स्टार्ट हुई थी, मतलब चेहरे में गड़बड़ कई साल से हो रही थी। मेरे चेहरे आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट सर, दरवाजा खोल देती हूँ। हेलो हेलो। जी चेहरे में प्रॉब्लम तो सर कई साल से चल रही थी, 6-7 साल से, मतलब 4 साल से ज्यादा तो तब हुई जब मेरा बेटा हुआ ना, 4 साल पहले। उसके होने के बाद वो छाइयां और जो स्किन है ना, इतनी अजीब हो गई, मतलब। और फिर अब 1 साल से तो एलर्जी इतनी हो गई, मतलब खुजली मेरे चेहरे चेहरे पे, गर्दन से ऊपर ऊपर। दवाइयां ली मैंने बहुत सारी, पहले रेड होता था दूध में जाने से, और फिर ब्लैकनेस, और फिर ओली फाग बड़े दिन पिछले साल खुजली स्टार्ट हुई थी सर। और तब से मैंने 6 महीने एलर्जी की दवाई ली, इतने इतने तो ठीक रही। हेलो जी, अच्छा मुझे बताइए लगभग पिगमेंटेशन पहली बार कब शुरू? क्या लगभग पिगमेंटेशन कब शुरू हुई थी आपकी? 4 साल हो गई सर। 4 साल, कारण क्या रहा इसके होने का? कारण ये बच्चा होने के बाद सर, पता नहीं हार्मोन्स चेंज हुए क्या हुआ। आपकी डिलीवरी हुई? हाँ जी, डिलीवरी होने के बाद। और शायद मेरे साबुन या फेस वॉश ये ज्यादा यूज करे, शायद इसलिए भी हो सकती है ये जो एलर्जी है ना, चेहरे की स्किन अजीब सी हो जाती थी, एलर्जी वाले की चमड़ी ऊपर से और तरह की नहीं हो जाती, ऐसे हो जाती थी सर। अब मैं ये जब से घी लगाया ना, जब से थोड़ी इसकी नॉर्मल हुई है। लेकिन ये जूस पी रही हूँ ना, जूस मैंने 1 महीने पिया, फिर मैंने 10-15 दिन छूट गया, लेकिन फिर भी घी लगाने का, लाल लगाने का कोई फर्क नहीं लगा। जब जूस पीना स्टार्ट किया नहीं, अब दोबारा 5-6 दिन से कर रही हूँ, अब दोबारा फिर थोड़ा फर्क महसूस हुआ। कौन सा जूस पिया? वो आप जो आपने सर्दी का बताया ना, उस दिन पाछे सर्दी का स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले वो मैं पुदीना डाल के पीती थी ना, तो उसमें गला रुकता था, तो अब वो सर्दी वाला पी रही हूँ जूस, सुबह सुबह वो जो पालक मेथी और ये चीज का। उससे क्या फायदा मिला आपको? उससे ये फर्क है कि चेहरे में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा फर्क है, 10-20% ग्लो आया है। हाँ, ग्लो या फिर पिगमेंटेशन फटने शुरू हुई है, क्या हुआ? नहीं, पिगमेंटेशन तो जब फटनी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने घी लगाना स्टार्ट किया और वो गर्मी वाला जूस पीना स्टार्ट किया। अच्छा, जब गर्मी वाला जूस पिया 1 महीना, तब पिगमेंटेशन फटी आपकी, और अब जो विंटर वाला पी रही है, इससे आपका ये लाइट होने लगा। लाइट तो मेरा घी लगाने लगी ना, जब भी होने लगा, नहीं तो ब्लैक हो रहा था मेरा सारा चेहरा, नहीं तो मेरे हाथों के और मेरा कलर देख ना, तो ये स्किन ऊपर ऊपर का चेहरा देख के मुझे मन नहीं करता था भाई मैं बाहर भी निकलूं, इतना ब्लैक हो गया था, पता नहीं ब्लैक ब्लैक पर जम गई थी। घी लगाने से मेरे ये है कि ब्लैकनेस कम हो गई, पहले जैसा तो नहीं हुआ लेकिन ब्लैकनेस कम हो गई, नहीं तो पूरा ब्लैक हो रहा था। और छाइयां उसके बाद कम, एक बार तो ऐसे लगा फट रही है जाएंगी, लेकिन अब रुक रही है, मेरे अंदर की प्रॉब्लम लग रही है सर मुझे, क्योंकि दूध जूस पीना बंद हो गया है मेरा 10-15 दिन, उससे दोबारा ऐसे ही चेहरा होने लगा जैसा पहले था। और चाय नहीं छूट रही ना, क्योंकि चाय फिर मैं जूस पी के 9-9:30 बजे चाय पीती हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरा सिर दुखने लग जाता है। चलिए मुझे पूछने दीजिए प्रश्न। तो यहाँ पर आपने देखा, इन्होंने कहा कि इनका चेहरा पूरा लगभग कालर था, इन्होंने घी लगाना शुरू किया, घी से इनकी चेहरा लाइट हुआ, फिर इन्होंने विंटर्स का जूस पिया, इनकी पिगमेंटेशन फटनी शुरू हो गई, और अभी इन्होंने ट्रीटमेंट लेने के लिए शुरू किया। अब इन्होंने कहा कि जब ये चाय नहीं पीती तो उनका सर दर्द करने लगता है। पता है इसको आदत नहीं बोलते चाय पीने की, इसको बोलते हैं लत लगना चाय पीने की। वो होता है ना जो लोग नशा करते हैं, मुझे ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत आवश्यक है ऐसे शब्दों का उपयोग करना। आपने देखा है कि जिन लोगों को अफीम की, चरस की, गांजे की लत लग जाती है, वो लोग अगर किसी छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके शरीर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स के आती है। मेरे पास में एक
मतलब 15 साल का एक बच्चा आया, उसकी मम्मी और उसकी बहन आई। अब वो बच्चा मेरे सामने आके बैठा, रोने लगा मेरे सामने। मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने बोला कि इसको ना नशा की आदत लग गई, पता नहीं कुछ मतलब कागज में जला के ना कुछ ये सूंघता है ना। अब मैंने उसको पूछा कि बेटा छोड़ क्यों नहीं रहे हो आप लोग, कहता मैं छोड़ना चाहता हूँ बट मेरे से छूटता नहीं है, अगर मैं उसको ना लूँ मुझे बेचैनी होने लगती है, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और मेरे शरीर में दर्द करने लगता है, मुझे उठने का मन नहीं करता और जैसे ही वो मैं लेता हूँ मैं एकदम नॉर्मल हो जाता हूँ। ये क्या हुआ, इसको लत लगना बोलता है और वो भी गंदी लत। ठीक है, आदत नहीं होती है, आदत तो ये होती है कि एक बार बोल दिया कि मैं नहीं पीऊँगा, बात खत्म हो गई, अब उसका कोई जिक्र भी नहीं है, अब उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं और जब आप उसको स्किप करते हैं आपके शरीर के अंदर समस्याएं होने लगती है, इसका मतलब ये लत है बुरी तरीके से। चलो चाय का भी सॉल्यूशन निकालेंगे इस समस्या का, जिन लोगों को सर में दर्द होता है, ठीक है, जल्दी ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि उन्होंने घी लगाया, इन्होंने डाइट फॉलो की जो मैंने इनको बताया और उनका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हो गया, 20-30% ही ठीक हुआ बट वो ठीक होना शुरू हुआ। और बहुत लंबा समय इनको नहीं हुआ है मतलब डाइट फॉलो करते हुए, मुझे फॉलो करते हुए पूरा चेहरा इनका काला था और ये लगातार काला होते ही जा रहा था। आगे शायद इन्होंने बताया होगा जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, बट आप में से अधिकतर लोगों का जो चेहरा काला पड़ता है ना वो होता है क्रीम लगाने के बाद में। क्रीम आप लगाते हैं चेहरा आपका काला पड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि मतलब मैं मना करता हूँ क्रीम देने के लिए आपको, है ना, और बहुत से लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों मना करते हैं क्रीम देने के लिए, क्रीम देना कई बार जरूरी भी होता है ऐसा सोचते हैं वो लोग। आपको लगता है कि मैं हमेशा पेशेंट को ये बोलता हूँ कि जब देसी घी लगाएंगे तो आपका चेहरा काला पड़ेगा, आप मुझे ये बता दो दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो कि आपको ये बोलेगा कि आप ये लीजिए ये मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए इसको लगाने के बाद में आपका चेहरा काला पड़ेगा। आप मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो कि आपको ये बात बोलेगा, है ना। आपको दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा बात नहीं बोलेगा, इवन कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये वाली बात तो आपको बोलेगा नहीं। यूट्यूब पर आपको क्या बोलेंगे, या भी क्रीम लगा लिए 5-6 दिन में आपका चेहरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। आखिर ये तो बहुत खुशी की बात है, सब लोग यही बात तो सुनना चाहते हैं कि हमारा चेहरा क्लीन हो जाए, 5-6 दिन में हमारा चेहरा क्लीन हो जाए। सब लोग आखिर यही तो सुनना चाहते हैं कि 1 महीने में उनका चेहरा क्लीन हो जाए, चाहे पिगमेंटेशन उनको 40 साल का हो, लेकिन 1-2 महीने के अंदर उनका चेहरा क्लियर हो गया। सब लोग इसी को सुनना चाहते हैं, सब लोग इस बात से खुश हो जाएंगे। अब ऐसे डॉक्टर की वीडियो कौन देखेगा, कौन लाइक करेगा जो ये बोलेगा नहीं आप ये लगाइए इससे आपका चेहरा काला पड़ेगा। आप खुद सोचेंगे कौन देखेगा ऐसे डॉक्टर की वीडियो, है ना। आप में से तो कई लोग यही सोचेंगे कि पता नहीं डॉक्टर साहब ने पढ़ाई कहाँ से की है, डिग्री है कि फर्जी डिग्री है डॉक्टर साहब के पास में, कि डॉक्टर साहब तो ऐसा बोलते हैं कि चेहरा काला पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि घी लगाने के बाद में हल्का चेहरा काला पड़ता है और क्यों होता है, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बार बार मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने घी लगाया, इन्होंने यहां पर लार लगाई और यहां पर इन्होंने जूस पिया और उनका चेहरा बहुत अच्छे से क्लीन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां पर मुझे आपको यही मैसेज देना था, यही मोटिवेशन आपके लिए वीडियो थी। मुझे बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी वाली, ठीक है। चलिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।